स्वागत है आपका सामना लाइव न्यूज चैनल में। मैं अशफाक अली। चलते हैं खबर की ओर। विदेशी मूल का नागरिक बनकर युवतियों से शादी का झांसा देकर ठगी करने वाला गिरफ्तार। मेट्रोमोनियल साइट के जरिए ग्वालियर के भीमनगर में रहने वाला युवक प्रदीप जाटा स्वयं को विदेशी नागरिक होने का कहकर युवतियों से शादी करने के लिए संपर्क करता। इसके बाद उन्हें विदेश में से महंगे गिफ्ट देने, कस्टम ड्यूटी चुकाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करता रहा। ठगी का शिकार हुई जबलपुर की युवती की शिकायत पर रात सरवर सेल पुलिस ने ग्वालियर से प्रदीप जाटौर नामक ठग को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि मेट्रोमोनियल साइट पर डॉक्टर राहुल निवासी लंदन के नाम पर प्रोफाइल बनाकर लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करता रहा। इसी दौरान प्रदीप ने जबलपुर निवासी युवती से भी शादी करने के लिए दोस्ती बढ़ाई और उस युवती से अपने अकाउंट में 2,70,000 रुपये ट्रांसफर करवा लिए। इसमें यह है कि जबलपुर की एक आवेदक थी जिससे मैट्रिमोनियल साइट पर आईडी बनाकर एक राहुल नाम का व्यक्ति चर्चा किया करता था। गौरतलब बात ये थी कि जो महिला डॉक्टर थी इनको सारे मेडिकल के जो टेक्निकल प्रोफेशंस वगैरह पता थे, तो जो डॉक्टर राहुल बन के जो बात करता था वो भी बड़े शातिराना तरीके से इनसे अलग अलग प्रकार की मेडिकल संबंधी टर्म्स का यूज़ करके बात करता था। तो मतलब उनको कहीं ना कहीं ये विश्वास हो गया कि वास्तव में अगला व्यक्ति डॉक्टर है, क्योंकि वो कई प्रकार की मेडिकल टर्म्स बता दिया करता था। इसके बाद धीरे से इनने जो मैट्रिमोनियल साइट थी उस पर जो इनका अकाउंट था वो डिलीट करवा दिया, क्योंकि बोले भाई जब अपन दोनों को शादी करनी है तो फिर किसी प्रकार के अकाउंट की क्या आवश्यकता है। धीरे धीरे ये लोग वाइबर पर शिफ्ट हो गए। वाइबर पर शिफ्ट होने के बाद आपस में इनकी बातें चलती रहीं। इनने बोला कि मैं इंडिया आऊँगा और आपके लिए गिफ्ट लाऊँगा। महिला जो थी इनने इनको समझाया कि भाई मेरे लिए कोई गिफ्ट लाने की बात नहीं, आप खुद ही आके मिल रहे हैं, उतना पर्याप्त हमारे लिए। बट इनने खूब ज़िद की कि नहीं, गिफ्ट तो हम ला ही रहे हैं। फिर अल्टीमेटली गिफ्ट लेके स्वयं नहीं आ पाए, बल्कि एक कोई अन्य इनका जो मित्र था उनने वैसा बताया कि भाई फला फला व्यक्ति गिफ्ट लेके आपका पहुँचा हुआ है। उसके बाद फिर इनने बताया कि कस्टम विभाग में जो गिफ्ट है वो फंस गया है, तो आप कुछ पैसे दे दीजिए। तब इनने कुछ पैसे दे दिए उनको। दोबारा जब इनके पास कॉल आया तो महिला समझदार थी। कई केसेस होते हैं जिनमें बार बार महिलाएं पैसे डालती रहती हैं, कभी GST के नाम पर, कभी गिफ्ट के नाम पर, कस्टम विभाग के नाम पर, सीनियर या जूनियर अधिकारी के नाम पर। ये महिला एक बार पैसे डालने का इनको समझ में आया कि कुछ इशू है, फिर इनने बात नहीं की। तो जब हमने इस मामले में तफ्तीश की, नंबरों के आधार पर तफ्तीश की और जो हमारे जिस अकाउंट में पैसा गया उस पर देखा, तो पता चला कि ये जो व्यक्ति खड़े हैं इनके अकाउंट में पैसा गया है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है और इसके अलावा कुछ और भी लीड्स हैं, तो इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि और भी लोगों की इसमें गिरफ्तारियां आगे संभव होंगी।